गुरुवार की रात में फिरोजाबाद में पुलिस और बाबरिया गिरोह के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश को पुलिस ने दबोच लिया। पकड़ा गया बदमाश मेरठ जिले और फिरोजा जिले में कई लूट और डकैती की वारदातों को अंजाम दे चुका है। जिला अस्पताल के स्टेशन पर पड़ा यह वो सातिर बदमाश है जो फिरोजाबाद और मेरठ जिले में लूट डकैती की कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। यह बदमाश पुलिस के हत्थे तब चढ़ा जब बाबरिया गिरोह सिखोबाद के जंगलों में किसी वारदात की फिराक में डेरा जमाए हुए था। बदमाशों की सूचना पर एसटीएफ पुलिस और क्राइम ब्रांच पुलिस की मुठभेड़ बदमाशों से हो गई और एक सादिल नामक बदमाश पुलिस की गोली का शिकार हो गया। बदमाश के पैर में गोली लगी है और गिरोह के अन्य साथी पुलिस को कच्चा देकर भाग जाने में सफल रहे हैं। ये मुठभेड़ हुई है और क्या बरामदगी हुई है, कौन गिरफ्तार किया गया? ये दरअसल घुमंतु खानाबदोश गिरोह के सदस्य है, ये जो जिसको पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी है। ये इससे थोड़ा सा पूछताछ जो अभी की गई है उससे ये पता लगा है कि ये दो हमारे यहाँ घटनाएं हुई हैं डकैती की, एक लाइन पार थाने में और एक जो है शिकवाबाद थाने में। ये दोनों घटनाएं डकैती की ये भी उसमें शामिल है और इसके अन्य सदस्य भी 5-6 सदस्य कुल मिला के इन लोगों ने ये डकैती की घटना की है। ये इसके जो आज है ये आज भी प्लानिंग में थे कि ये कहीं घटना करने वाले थे और थाना सुखवाबाद पुलिस, हमारी क्राइम ब्रांच और लाइन पार पुलिस यानी एसओ, इन लोगों ने मिलके इस गिरोह को घेरा, चेतावनी दी, उस पर इन लोगों ने फायरिंग किया तो पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग किया, जिसमें से शाहीन जो बदमाश है जिसने नाम अपना शाहीन सनोक अनवार, ये मूल निवासी अमरोहा का रहने वाला है, ये आदमपुर थाना के अंतर्गत उसका गांव है बुरावली, और ये बहुत हार्डकोर क्रिमिनल है। इसकी अभी बहुत लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री है, हम लोग अभी पता करेंगे अभी पूरा। और ये जो बावरिया टाइप का गैंग जो रहता है उसी तरह का ये गैंग है, ये जो कई जिलों में इस तरह की इन्होंने घटनाएं की। कोई इस पे इनाम भी अभी पूरी चीजें अभी जांच में होगी कि इसकी क्या कोई सिपाही भी इसमें घायल हुआ है? पूरी इसमें कोई भी फायरिंग में हमारा सिपाही घायल नहीं हुआ, एक सिपाही फिसल जरूर गया उस दौरान, तो वो उसको फिसलने की चोट है, बाकी कोई बदमाशों की गोली से कोई सिपाही इससे इसके पास से कोई हथियार है या कुछ रिकवर हुआ है? हथियार इससे रिकवर हुआ है, इससे एक कंटीमेट वेपन है वो। फिरोजाबाद पुलिस एक माह में मुठभेड़ के दौरान 5 सातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में फिरोजाबाद पुलिस के हत्थे कौन सा बदमाश चढ़ता है। हेक्स न्यूज के लिए मंजन की रिपोर्ट।